नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके एक दिन बाद बुधवार को जांच एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के दफ्तर को अस्थायी तौर पर सील कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान यंग इंडिया के दफ्तर में एक भी जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी मौजूद नहीं था। पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद उनमें से कोई भी दफ्तर नहीं पहुंचा। ऐसे में तलाशी की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई और फिर दफ्तर को सील करने का फैसला लिया गया। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दफ्तर सील होने के विषय पर कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इतनी जल्दबाजी में यह सब किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के विरोधी दलों को समाप्त करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान खाता बही संदिग्ध लेन देन की ओर इशारा करती है, और तो और जांच एजेंसी को हवाला के जरिए लेन देन के भी सबूत मिले हैं, जिसकी वजह से मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और वायनाड सांसद राहुल गांधी के साथ पूछताछ के दौरान भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त इसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था, लेकिन अब रण की बात कही जा रही है। ऐसे में AICC कार्यालय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को निशाना भी बनाया। कांग्रेस ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने उसके मुख्यालय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों को घेर रखा है तथा उसके नेताओं के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है, जो प्रतिशोध और धमकी की राजनीति है। जबकि पुलिस का कहना है कि ऐसी सूचना मिली थी कि कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया ताकि कोई अवांछित परिस्थिति ना पैदा हो। याचना नहीं अब रण होगा। रामाधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित रश्मि रथी की पंक्तियों के जरिए कांग्रेस ने रण की बात कही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज जो हो रहा है वह प्रतिशोध और धमकी की राजनीति है, परंतु एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय महंगाई, बेरोजगारी, GST का विनाश काल है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2 हफ्ते तक संसद में महंगाई पर चर्चा से भागती रही। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है, और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश काल है, महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर GST, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृहमंत्री और जो गृहमंत्री जो का जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा। भाजपा ने साधा निशाना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई से विपक्षी पार्टी डर क्यों रही है। कांग्रेस पहले सत्याग्रह की बात कर रही थी और अब सत्याग्रह की जगह रण की बात कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि देश के कानून के साथ युद्ध संभव नहीं। कानून किसी को नहीं छोड़ता है, देश का कानून तो सभी के लिए समान होता है। संबित पात्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार और रण दोनों नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार हुआ तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि
कि कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए और पुलिस आए तो वो बोले कि मैं चोरी की है। कोई ये थोड़ी ना बोलता है कि मैंने चोरी की है, और कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।